नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे PhD एडमिशन 2022 के बारे में। तो यदि आपने अब तक PhD में एडमिशन नहीं लिया है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को मिस ना कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं किस यूनिवर्सिटी से वैकेंसी निकल करके आई है। तो यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यह वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जिनके पास मास्टर डिग्री प्रोग्राम में 55% यानी 55% मार्क्स है तब आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। यदि आप SC ST OBC हैं देन आपको मिनिमम 50% आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। उसके बाद यदि आपने MPhil कर रखा है तो MPhil के लिए भी सेम क्राइटेरिया, MPhil में भी 55% मार्क्स होना चाहिए। यदि आप EWS में हैं देन आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इन एडिशन टू द एबव एन एप्लीकेंट मस्ट ऑल्सो फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, क्वालिफाइड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन लाइक नेट, JRF, CSIR नेट या फिर MPhil डिग्री आपने कहीं से लिया है या डिजर्टेशन इवेल्यूएशन के दे दिया गया है और अभी पेंडिंग में, तब भी आप यहाँ पर भर सकते हो। तो इन तीनों में से यदि कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तब आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड एनी ऑफ द कंडीशंस मेंशन एबव विल हैव टू क्वालिफाई इन PhD एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ विश्व भारती। यानी कि आपके पास नेट नहीं है, JRF नहीं है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप भी फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर टेस्ट देना होगा, जो यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपको पास करना पड़ेगा। उसमें भी आपको 50% नंबर लाने होंगे मिनिमम। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पता ही आपको, इंटरव्यू में आपको प्रपोजल लेकर के जाना है और उसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ड्यूरेशन यहाँ पर मिनिमम 3 साल का और मैक्सिमम 6 साल का है। टेस्ट या इंटरव्यू जो होगा डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आप देखते रहेंगे, यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल पर वहाँ पर आपको मिलता रहेगा या फिर विश्व भारती एडमिशन डॉट समर्थ डॉट ए डू डॉट इन पर जाकर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में होगा, यानी कि जहाँ यह यूनिवर्सिटी लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में आपको वहीं जाकर देना होगा। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए रिजर्वेशन का प्रोसेस OBC SC ST सबको भारत सरकार के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। फी की बात कर लें तो 1,000 रुपये लगेगा एक सब्जेक्ट के लिए। SC ST PWD को 300 रुपये लगेंगे। उसके अलावा अलग अलग यानी कि दूसरे सब्जेक्ट में भी करना चाहते हैं तो 400 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज एक्स्ट्रा लगता चला जाएगा। यहाँ पर किस तरीके से फॉर्म भरना है, फोटो का क्या साइज होगा वह दिया हुआ है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सीट की संख्या के बारे में। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीट दिया हुआ है। जैसे बंगला में आते हैं तो बंगला में चूंकि यह UG का दिया हुआ है तो UG के बाद यहाँ पर उसी तरीके से PG का होगा, उसके बाद फिर PhD की सीट की संख्या दी गई होगी। तो एक एक करके हम लोग बारी बारी से देखते हैं। यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन का आ गया, ठीक है, और ये क्या है थ्रू एडमिशन टेस्ट। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा PhD के लिए। तो PhD में आप देख सकते हो असमी में सीट नहीं है, बंगाली में 2 है, सेंटर फॉर मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेज में 2 है, कल्चरल स्टडीज में नहीं है, कंपेरेटिव स्टडीज में नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक पर्सन उर्दू में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में है 6 सीटें हैं, इंडो तिब्बतन स्टडीज में 3 है, जापानीज में 4 है, उड़िया में 2 है, संस्कृत में 5 है, हिंदी में 4 है, तमिल में 1 है, संथाली में 5 है। उसी तरीके से यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स का यहाँ दिया हुआ है तो सर्टिफिकेट कोर्स में अरबिक वगैरह में कितना सीट है। अब हम लोग बात ये डिप्लोमा का है, उसी तरीके से फिर आगे आएंगे तब यहाँ पे दिया होगा अलग सब्जेक्ट का। जैसे 1 ईयर कोर्स फॉर पोस्ट फॉरेन स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ लैंग्वेज को लेकर के तभी आप सीख पाएंगे। दूसरा जो विभाग है वह ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसमें सीट चूंकि जैसा कि पहले दिया गया था तो पहले BA का सीट यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद सीटों की संख्या MA को लेकर दी गई है और फिर PhD को लेकर। तो इकोनॉमिक्स में 6 सीट है, ज्योग्राफी में नहीं है, एंथ्रोपोलॉजी में 4 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 8 है और एंशेंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 8 है, जर्नलिज्म में सीट नहीं है, हिस्ट्री में 5 है, फिलोसफी एंड कंपेरेटिव स्टडीज़ में 5 है और वुमेन स्टडीज़ में सीट नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। तो साइंस में जब आएंगे तो तीसरे कॉलम में आएंगे, वहाँ पर आपको PhD के सीट की संख्या दी गई होगी। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc का सीट,
उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी, देन हमारे पास पीएचडी का आएगा। तो पीएचडी में इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर सीटों की संख्या दी हुई, बायोटेक में 5 है, बॉटनी में 4 है, केमिस्ट्री में 37 है, कंप्यूटर साइंस में 8 है, इंटीग्रेटेड साइंस में 7 है, मैथमेटिक्स में 19 है, फिजिक्स में 20 है, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में 2 है, जूलॉजी में 8 है। उसके बाद संगीत भवन में आएंगे तो म्यूजिक को लेकर के यहाँ पे पहले ग्रेजुएशन दिया हुआ है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट की संख्या होगी, और उसके बाद फिर मास्टर पीएचडी का। तो रविंद्र संगीत में 125 है, मणिपुरी डांस में 31 है, कथकली डांस में 31 है, रविंद्र नृत्य में 31 है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में 62 है, सितार में 18 है, एसराज में 18 है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इन तबला, इसमें भी 18 सीटें हैं। उसका डिप्लोमा के बारे में दिया हुआ, फिर आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पर उसमें आ जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी की सीट की संख्या दी गई होगी, यहाँ पे एमएफए मास्टर इन फाइन आर्ट्स, उसके बाद एडवांस डिप्लोमा, और पीएचडी को लेकर शायद इसमें सीटों की संख्या नहीं दी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वैकेंसी निकल करके आई थी, आप देख सकते हैं। फिर पालिस संगठन विभाग, रूरल कंस्ट्रक्शन, इसमें आएंगे तो आपको सभी कोर्सेज के लिए सीट की संख्या आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये था साथियों यूनिवर्सिटी का नाम, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और उसके बारे में जितनी सूचनाएं दी गई है कि वहाँ से कौन कौन कोर्स में कितनी सीटें निकली हैं। और उसके बाद यदि हम लोग डेट की बात कर लें, यदि डेट की बात करनी हो तो हम लोग डेट सबसे ऊपर में आकर देख सकते हैं, तीसरे या चौथे पेज पे। तो जो पहले पेज पे सीट डेट के बारे में बात की गई है वो शायद 22 जून तक इसका फॉर्म भरने का डेट है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। हाँ, यह यूजी के लिए है, आप देख सकते हैं ऊपर में, और यहाँ पर है डेट्स फॉर यूजी, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स फॉर यूजी एडमिशन, और यहाँ पर दिया हुआ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स फॉर पीजी, पीएचडी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड पीएचडी के लिए। तो यहाँ पर 1 जून से 22 जून तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। फी बता दिया हमने, सीट की संख्या बता दी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा।